नमस्कार, आपके साथ मैं आदिति त्यागी और आज हम बात करेंगे शिवसेना में जो विवाद हुआ और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो 78 पेजेस का ऑर्डर आया, उसके बाद जो राजनीति हुई है, इस पूरी खबर के तमाम पहलुओं के बारे में बहुत बारीकी से और तथ्यों के साथ आज मैं आपको बताने जा रही हूं। तो सबसे पहले खबर क्या रही, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग ने शिवसेना, ये ऑफिशियल शिवसेना माना एकनाथ शिंदे गुट को, और जो शिवसेना का सिंबल हुआ करता था धनुष बाण, वो एकनाथ शिंदे को, जिन्हें ऑफिशियल शिवसेना माना गया, चुनाव चिन्ह भी उन्हें दे दिया गया। धनुष बाण जो कि शिवसेना जैसे शिवाजी से नाम लेती है और साथ ही हिंदुत्व का प्रतीक इस सिंबल को माना जाता है, तो ये सिंबल भी और साथ ही ऑफिशियल शिवसेना का जो टाइटल है, जो नाम है, वो एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया गया। उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई वो उद्धव गुट की तरफ से, इसे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी करार दिया गया। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि उनके चुनाव चिन्ह और उनकी पार्टी के नाम की चोरी की गई है और इस चोरी का बदला वो लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी राजनीति की तस्वीर उभर कर आई वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इर्द गिर्द, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर कई तरह के स्टेटमेंट्स आए और ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, और साथ ही ये कहते हुए भी कटघरे में खड़ा किया गया कि ये जो पूरा डिसीजन है ये निष्पक्ष नहीं है। लेकिन यहां पर मैं आपको ये समझाना चाहती हूं और बताना चाहती हूं बकायदा तथ्यों के माध्यम से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो ऑर्डर था इसमें किन बातों को कंसीडर किया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये 78 पेजेस का ऑर्डर था और तीन मेंबर जो कमीशन है उसने ये ऑर्डर सुनाया यूनैनिमसली, यानी तीनों में ही सहमति थी, तीनों ही एक पेज पर थे। अब ये ऑर्डर किस पैराग्राफ के तहत या किस रूल के तहत सुनाया गया तो ये डिटेल मैं आपको देती हूं। ये बहुत ही बारीकियां हैं जो आपको हर जगह देखने और जानने को नहीं मिलेंगी, इसलिए मैंने हर चीज आपके लिए पता करने की कोशिश की है। तो ये पैराग्राफ 15 ऑफ द इलेक्शन सिंबल्स है, रिजर्वेशन अलॉटमेंट ऑर्डर 50, ऑर्डर 50 का ये पैराग्राफ 15 जो कि इलेक्शन सिंबल से जुड़ा हुआ, उसमें दो बातों को तीन मेंबर कमीशन जो था उसने कंसीडर किया। एक तो जो टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी है और दूसरा टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन जो है। जो टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बड़ी बात क्या कही गई इस तीन मेंबर कमीशन द्वारा, अब मैं आपको वो बताती हूं। इस कमीशन द्वारा एक बड़ी बात यह की गई कि 2018 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में, शिवसेना के कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्टी के संविधान में जो अमेंडमेंट किया गया, जो संशोधन किया गया, और वो संशोधन में क्या किया गया था वो भी मैं आपको बता देती हूं। इस संशोधन में ये किया गया था कि प्रेसिडेंट नॉमिनेटिंग इलेक्टोरल कॉलेज दैट इज टू इलेक्ट हिम, यानी प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट कर रहा है इलेक्टोरल कॉलेज को जो कि प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करने वाला है। अब अगर प्रेसिडेंट ही उन लोगों को नॉमिनेट करेगा, मनोनीत करेगा जिन्हें फाइनली पार्टी का प्रेसिडेंट चुनना है, तो ये अपने आप में कितना बड़ा विरोधाभास होगा अगर लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रिंसिपल्स की बात की जाए, और इसीलिए इसे अलोकतांत्रिक और या फिर आप कह सकते हैं लोकतंत्र के खिलाफ करार दिया गया। तो ये रहा जो पार्टी, जो टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था उस बिना पर उद्धव ठाकरे जो थे उनकी वो टिक नहीं पाए। अब दूसरा जो टेस्ट उद्धव ठाकरे ने फेल किया वो था टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी का। तो टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी में क्या हुआ, क्या कहा गया, ये कहा गया जो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं अब, तो जो एमएलएज एकनाथ शिंदे के साथ हैं उन्हें अगर जो विधानसभा में वोट पड़ा था उसके शिवसेना के खाते में पोल परसेंटेज के हिसाब से बांट कर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के साथ जो समर्थक एमएलएज हैं, जो उनके उन्हें सपोर्ट करने वाले एमएलएज हैं, उन्हें जो टोटल वोट पड़ा शिवसेना के लिए उसका 76% हिस्सा एकनाथ शिंदे के गुट को मिला, जबकि 23.5% हिस्सा ही, यानी करीब 23% से थोड़ा ज्यादा वो हिस्सा ही मिला उद्धव ठाकरे के गुट को, यानी उनके समर्थन में जो एमएलएस थे उन्हें सिर्फ 23.5% वोट मिले अगर इसे वोटों की परसेंटेज में, और टोटल इस वोट परसेंटेज का आधार था जो टोटल वोट पड़ा शिवसेना के लिए लास्ट असेंबली इलेक्शंस में। तो इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया तो ये दो टेस्ट जो थे उनमें उद्धव ठाकरे जो थे वो पास नहीं हो पाए, तो टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी
जो एक और बड़ी बात है कि 55 एमएलएज में से 40 एमएलएज जो थे वो एकनाथ शिंदे के साथ थे, और इसके अलावा अगर एमपीज की भी बात की जाए शिवसेना के लोकसभा में, तो 18 में से 13 एमएलएज जो थे वो भी एकनाथ शिंदे के साथ थे। तो 76% वोट शेयर एकनाथ शिंदे के पास था लास्ट असेंबली इलेक्शंस के हिसाब से बात की जाए। लोकसभा के 18 एमपीज की बात की जाए तो 13 का सपोर्ट उनके पास था। जो 55 एमएलएज इलेक्ट होकर आए थे उनमें से 40 का सपोर्ट एकनाथ शिंदे के पास था। तो ये तो रहे तीन जो टेस्ट ऑफ मेजोरिटी था उसमें एकनाथ शिंदे के फेवर में क्यों फैसला आया, और टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया जिसमें जो प्रेसिडेंट द्वारा इलेक्टोरल कॉलेज को नियुक्त करना और जिसे फिर प्रेसिडेंट को नियुक्त करना इसे लोकतंत्र के खिलाफ करार दिया गया। ये तो रही इलेक्शन कमीशन का 3 मेंबर कमीशन जिसने ये 78 पेजेस का फैसला सुनाया। इसके बाद राजनीति हुई, सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसे कटघरे में खड़ा कर दिया गया, और ये कहा गया कि ये जो है ये बीजेपी की इलेक्शन टूल किट की तरह काम करते हैं। ईडी सीबीआई के साथ इसको जोड़कर पेश करने की कोशिश की गई। अब यहां पर आप इस बात को समझिए कि अब उद्धव ठाकरे के पास विकल्प क्या है। उद्धव ठाकरे के पास विकल्प है वो जाए और अदालत का दरवाजा खटखटाए। उद्धव ठाकरे कह भी रहे हैं कि वो इसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और वो अपने लिए इंसाफ मांगेंगे, क्योंकि वो इस धनुष बाण को अपने चुनाव चिन्ह जो शिवसेना का हुआ करता था उसकी चोरी से करार दे रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको इस पूरे मामले की टाइमलाइन भी जल्दी से समझा देती हूं ताकि पूरा मामला जो है आपके जहन में एकदम क्लियर हो जाए। तो ये विवाद स्टार्ट हुआ लास्ट ईयर यानी 2022 में जून के महीने में, जब करीब 16 एमएलएस थे जो जाकर सूरत में डट गए थे और उन्होंने एकनाथ शिंदे को सपोर्ट किया था। उसके बाद इन एमएलएस की संख्या लगातार बढ़ती गई, आपको वो भी याद होगा। 16 एमएलएस को जो डेप्यूटी स्पीकर थे उनके द्वारा डिस्क्वालीफाई किया गया, उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस भेजा गया था और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। कुल मिलाकर बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम के तहत शिवसेना के जो एमएलएस थे उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की, बात यह कही कि शिवसेना उद्धव की जो शिवसेना है वो बाला साहेब का जो हिंदुत्व का एजेंडा था उससे दूर हो गई है, उसे किनारे रख दिया है सत्ता भोगने के लिए, सत्ता सुख के लिए। और इसी नाटकीय घटनाक्रम के तहत महाविकास आघाड़ी जो कि अलायंस था शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस पार्टी का, उसकी सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे और बीजेपी के ने अलायंस किया, और जो एकनाथ शिंदे जिन्हें कि शिवसेना के आधे से ज्यादा एमएलएस का सपोर्ट हासिल था उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। और फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में उन्होंने फ्लोर ऑफ द टेस्ट जो था वो क्लियर कर लिया, पास कर लिया। मैंने पहले ही आपको बताया 16 एमएलएस को जो डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा था वो देश की सर्वोच्च अदालत में है, इस वक्त भी वो सर्वोच्च अदालत में है। फिर जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठा वो उठा जब इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर के महीने में ये स्पष्ट कर दिया कि कोई भी शिवसेना का नाम इस्तेमाल नहीं कर पाएगा दोनों में से कोई भी गुट, और तब और साथ ही चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी क्योंकि बाय पोल्स होने थे। तो ऐसे में जो एकनाथ शिंदे का गुट था उसे जो सिंबल था वो दे दिया गया ढाल और दो तलवार, और जो उद्धव गुट था उसे सिंबल दे दिया गया मशाल। अब इस ऑर्डर के बाद ऑफिशियल शिवसेना का टाइटल और धनुष बाण का जो चुनाव सिंबल है इलेक्शन सिंबल है वो मिल गया एकनाथ शिंदे को। अगर अब उद्धव गुट की बात की जाए तो उद्धव गुट को शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बाला साहेब ठाकरे इस दल के तौर पर मान्यता मिली है, और साथ ही जो इनका चुनाव चिन्ह है वो उसे मशाल के तौर पर ही यूज करते रह सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन द्वारा कहा गया। उद्धव ठाकरे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का मन बना रहे हैं, उनकी तरफ से इस तरह के संकेत दिए गए हैं, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह से इलेक्शन कमीशन को इस तरह का फैसला लेना पड़ा हो। ये जो टाइमलाइन है मुझे उम्मीद है आपको इसे लेकर क्लैरिटी मिल गई होगी। जून में पूरा विवाद शुरू हुआ, अक्टूबर में इलेक्शन सिंबल के इस्तेमाल को इलेक्शन सिंबल को फ्रीज कर दिया गया, फिर अदालत गए उद्धव ठाकरे, वहां पर उनकी जो अर्जी थी वो खारिज हुई, और फरवरी में आते आते करीब 8 महीने बाद ये फैसला किया गया कि ऑफिशियल शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे की है, और धनुष बाण जो कि चुनाव चिन्ह था शिवसेना का वो एकनाथ शिंदे को दिया गया। ये पहला मौका नहीं जब इस तरह का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने गया। 2021 में आपको याद होगा चिराग पासवान और उनके चाचा जो थे पशुपति पारस उनके बीच भी इसी तरह का विवाद हुआ, और वहां पर भी जो चिराग पासवान की लीडरशिप थी उसे खुले तौर पर चुनौती दी गई और वो मामला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इस तरह के मामले जाने की एक अपनी हिस्ट्री है,
है। साथ ही चुनाव चिन्ह बदल जाते हैं, इसकी भी एक हिस्ट्री है, अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि खुद एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने याद दिलाया उद्धव ठाकरे को इंदिरा गांधी के बारे में, और उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में इसलिए याद दिलाया क्योंकि खुद इंदिरा गांधी ने ये जो पंजा का आप इलेक्शन सिंबल देखते हैं, चुनाव चिन्ह देखते हैं कांग्रेस पार्टी का, ये जब 77 में कांग्रेस पार्टी की हार हो गई थी उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी टूटी और कांग्रेस आर से कांग्रेस आई बनी, यानी कांग्रेस इंदिरा जब बनी, तब ये जो पंजा या हाथ का सिंबल है ये जो कांग्रेस पार्टी है उसे दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। उससे पहले जिसका हिस्सा इंदिरा गांधी हुआ करती थी कांग्रेस आर, उसका सिंबल हुआ करता था गाय और दूध पीता हुआ बछड़ा। और उससे भी पहले अगर बात की जाए, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, 1952 से 1969 तक तब कांग्रेस पार्टी का सिंबल हुआ करता था बैलगाड़ी। तो आप देखिए खुद कांग्रेस पार्टी का जो कि देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी मानी जाती है उसके सिंबल्स किस तरह से बदले। तो 52 से 69 बैलगाड़ी, उसके बाद 69 के बाद कांग्रेस आर बनी जिसमें इंदिरा गांधी थी और उन्होंने उनका सिंबल हुआ करता था गाय और दूध पीता हुआ बछड़ा। और फिर ये चेंज हो गया 77 की हार के बाद जब कांग्रेस फिर टूटी और कांग्रेस आर बनी और ये पंजा या हाथ के तौर पर ये सिंबल जो था ये बदल गया। और ऐसी ही नसीहत उद्धव ठाकरे को दी गई शरद पवार द्वारा, उन्होंने ये कहा कि उद्धव ठाकरे को इंदिरा गांधी से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने सिंबल बदला और अपनी राजनीति जो थी इंदिरा गांधी ने उसे और ऊंचाइयां दी, उसे और आगे बढ़ाया। तो इसे बहुत ज्यादा दिल पर लेने की उद्धव ठाकरे को जरूरत नहीं है, ये कहा गया यहां पर शरद पवार द्वारा, एक वेटरन है शरद पवार, और शरद पवार द्वारा ये नसीहत दी गई। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये कोशिश की कि जो पूरी खबर है जिसे लेकर आप कुछ इन्फॉर्मेशन यहां कुछ वहां अलग अलग वेबसाइट्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर या फिर टीवी रिपोर्ट्स के माध्यम से भी आपको तरह तरह की इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, मेरी कोशिश ये थी आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले, बारीकी इस खबर की आप समझें और जो इस खबर से जुड़े हुए फैक्ट्स हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कौन से रूल का हवाला देते हुए ये फैसला सुनाया, या फिर इलेक्शन सिंबल्स की अगर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे के लिए इसे कितना बड़ा सेटबैक माना जा सकता है, और इलेक्शन कमीशन का ये जो ऑर्डर है इसे कैसे समझा जाए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पिता द्वारा पुत्र को पार्टी दी जाती है, इसे इस तरह से विरासत के तौर पर एक्नॉलेज नहीं करता है, उसके सर्टेन पैरामीटर्स हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो कौन से दो पैरामीटर्स रहे, टेस्ट ऑफ मेजोरिटी एंड टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके आधार पर ये फैसला आया, और साथ ही वो रूल जो था पैराग्राफ 15 ऑफ इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 50, इसके तहत ये फैसला आया है। लेकिन इस पर राजनीति अपार हो रही है, एक तरफ एक नाथ शिंदे हैं जो इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि उनका चुनाव चिन्ह जो है उनसे चोरी कर लिया गया है। फैसला मैं आपके पास छोड़ती हूं क्योंकि बीते दिनों में हमने लगातार बीते सालों में मुझे कहना चाहिए लगातार जो एजेंसीज रही हैं, संवैधानिक संस्था रही हैं या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी रहा है, उस पर सवाल उठे हैं। लेकिन मैं इस वीडियो को ये कहते हुए क्लोज करूंगी कि ये जो चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, क्या ये किसी पार्टी के हो सकते हैं या होने चाहिए या फिर ये सभी देश के हैं। तो आपने जिस तरह से मुझे सपोर्ट दिया है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अब यूट्यूब पर भी, उम्मीद है आपका ये सपोर्ट, आपका ये सहयोग आगे भी जारी रहेगा इस वादे के साथ कि आगे भी मैं खबर की बारीकी आपको इसी तरह से समझाती रहूंगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही।